नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रेल मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन, उप जिलाधिकारी महोली सीतापुर को दिया गया ज्ञापन। क्षेत्र के मुख्य मार्ग को रेलवे द्वारा रास्ता अवरुद्ध किए जाने के संबंध में हिंदुस्तान प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने समस्त जनमानस को उनका हक गारंटेड दिलवाने के लिए संवैधानिक अधिकार आयोग एवं मीडिया की कुशलता विकास के लिए पत्रकार निर्वाचन क्षेत्र का गठन कराने हेतु संघर्ष के साथ जन समस्याओं को उभरने के साथ सुधारने की मंशा से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के तहसील एवं जिला मुख्यालयों पर अभियान चलाया जा रहा। जनप्रतिनिधि, जनसेवक, जर्नलिस्ट एवं जनहित में लोक पंचायत के माध्यम से हिंदुस्तान प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा विगत 3 वर्षों से समस्त जनमानस को उनका हक दिलवाने के लिए संघर्ष के साथ जनपद सीतापुर महोली क्षेत्र कैमहरा रघुवर दयाल के शहीद मुन्ने लाल मिश्र के गांव का हाईवे से मुख्य मार्ग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, किंतु उरदौली में रेलवे द्वारा रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है, जबकि क्षेत्र के आम रास्ता करीब 50,000 का आवागमन बाधित है। समस्त क्षेत्र की जनता भारत सरकार के रेल मंत्री से निवेदन के साथ उरदौली में रेलवे द्वारा रास्ता बंद किया गया, जिसको भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुस्थिति के साथ जिला सीतापुर महोली तहसील उरदौली क्षेत्र के सढ़िया माऊ बसवें खेरवा बेहडा कैमहरा रघुवर दयाल चौपरा भटपुरवा जिरहा गौरिया गरगटा पैडहिया आदि ग्राम पंचायतों का रास्ता खुलवाया जाए। जनहित में हिंदुस्तान प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन की मांग है कि 1 महीने में समुचित जवाब या रास्ता नहीं खुलवाया गया तो जनता एक बड़ा आंदोलन कर सकती है। कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश प्रभारी श्रवण कुमार सिंह के प्रतिनिधि शशांक तिवारी व लाला सिंह राठौड़, इकबाल व प्रशांत अवस्थी, बी एस दीक्षित, आनंद मिश्रा, माया प्रकाश दीक्षित, रविन्द्र वर्मा, चंद्रभूषण, श्री चंद्र मिश्रा, प्रधान प्रतिनिधि अनंत राम, पूर्व प्रधान आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। हमारे सनातन भाई अपना संघर्ष करते हैं, मौत की कामना करते हैं और परलोक जाने की कामना करते हैं। जहां पर मां लजा देवी की शक्ति पीठ है, जहां पर 15 दिन के बाद अमावस्या को और पूर्णिमा को मेला लगता है, लोग वहाँ स्नान करने जाते हैं, तीन दान करने जाते हैं, अपने मित्रों का सत्कार करने जाते हैं। आज ये सारे काम से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।